कैसे आप सब लोग। ईद का दूसरा दिन सब लोगों को बहुत 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 मुबारक। और आज है ईद का सेकंड डे और हम लोग जा रहे हैं अपनी खालाओं से मिलने। और सेकंड डे ज़्यादातर हमारी फैमिली में ऐसा होता है, ख़ानदान में ऐसा होता है कि सारे लोग एक ही जगह सब एक किसी के घर चले जाते हैं। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं अपने मामू के घर और वहाँ पे मेरी खालाएँ और जितने भी सारे फैमिली वाले हैं सारे वहाँ पे सब कंबाइन होंगे और सब बहुत 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 मस्ती, बहुत इन्जॉयमेंट और बहुत कुछ हम खाने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं। बहुत सारी ईदी आने वाली है तो बस अभी तो खैर मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया, अभी बस रेडी होने वाले हैं। और एक छोटा सा मसला भी हो गया मेरे साथ कि मेरा जो दूसरा ड्रेस था वो इस्तीवी में जल गया। अब मेरे पास बैकअप प्लान भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। मेरे सारे ड्रेसेस जो हैं किसी ने देखे हुए हैं तो मैं वही ड्रेस कल वाला रिपीट करने वाली हूँ, लेकिन मेकअप में कुछ इसमें डिफरेंट कर दूँगी, कुछ नया स्टाइल का मेकअप कर लूँगी। कल मैंने थोड़ा सॉफ्ट किया था, आज मैं थोड़ा सा ग्लैम लुक पे, मॉडल लुक पे मैं अपना मेकअप करने वाली हूँ। तो चलें देखते हैं क्या मैं जुगाड़ कर पाती हूँ अपने नया सूट का। ऐसा भी होता है। चलें फिर, तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो गाइस, सब लोगों ने रेडी होना शुरू कर दिया है और अब मैं भी रेडी हो रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज करूँगी वैसलीन लोशन से, क्योंकि थोड़ी सी मेरी स्किन ड्राई हो रही है। ये देखें भाई, अंगूठे से इतना भी भर के नहीं लगाना कि आपका जो बेस है वही हट जाए। अच्छे तरीके से मैं इसको अब एब्जॉर्ब कर दूँगी और फिर इसके बाद मैं लगाऊँगी अपने आईलाइंस। कल वाले ही लगाऊँगी क्योंकि असल में आज फिर से मेरा ड्रे की ड्रेस है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये ड्रेस भी नहीं लिया। अल्लाह ताला हम सबकी जो मुश्किलें हैं वो हल करे और बस दुआ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम सब लोगों को। ड्रेसेस से कुछ नहीं होता, बस आप खुद अच्छे होने चाहिए, आपका दिल अच्छा होना चाहिए। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ये सारी फजूल बातें होती हैं कि अगर आपने नया ड्रेस नहीं पहना सेकंड डे थर्ड डे तो फिर आप, मतलब कि मुझे ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने बहुत सारे ऐसे मेरे ड्रेसेस हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं रिपीट करती रहती हूँ। और इट्स नॉट अ बिग डील कि आप अगर एक चीज़ को रिपीट कर रहे तो खैर कोई बात नहीं। और अब मैं अच्छे तरीके से इसको मैं पहले तो एब्जॉर्ब करूँगी अपनी स्किन में। ये देखें ना, मैंने जब फेस वॉक्स करवाई थी आप देखें मेरे बिल्कुल एक्नी नहीं निकली, क्योंकि मैंने इतना केयर की अपनी स्किन की, आइसिंग भी किया। अच्छा, मेरी थोड़ी सी मूछें आई हुई है, सोच रही हूँ उसको साफ़ कर लेती हूँ फिर आती हूँ आपके पास। सो गाइस, मेरी मूछें तो क्लीन हो गई लेकिन देखें क्या हुआ, शुक्र हम फेस पे तो कट नहीं लगा और मुझे हाथ के ऐसे ही पकड़ने के लिए रखा था, लेकिन वो टिंकल इतना शार्प होता है कि वो मेरा कट गया। अरे भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ये देखो खून निकल रहा है, जलन हो रही है बहुत। अब इसी कटे हुए हाथ से मुझे मेकअप करना है, लेंस लगाती हूँ। तो गाइस मैंने लेंस लगा लिए हैं अपनी दोनों आँखों में और ये शेड ऐसा है कि ये मैं ज़्यादातर, वैसे मैं यही अपने लेंस का शेड यूज़ करती हूँ। मुझे पर्सनली ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि नेचुरल भी लगता है, आपकी आँखें से इन्हेंस भी लगती हैं और हर ड्रेस पे, हर आई मेकअप पे बहुत सूट करता है ये इस टाइप का लेंस। दूसरे वही है, कल वाला ही है सेम। चलिए मेकअप शुरू करते हैं। सो गाइस, कल भी मैंने यही स्टिक अप्लाई की थी 38, आज भी मैं यही अप्लाई करने वाली हूँ। ये देखें आप लोग, FS 38। अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी, बहुत भर के नहीं, बस 3 स्ट्रोक यहाँ और चिन कवर करी, फिर 3 स्ट्रोक ही इधर लगाऊंगी, फिर नोज़ पे बीच में फोरहेड कवर होगा अच्छे तरीके से, हल्का हल्का सा। फिक्स इट। व्हाट? नो 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 नो। तो गाइस मेरा
बेस अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसको फिक्स करूँगी विद द हेल्प ऑफ फेस पाउडर यार्डले नंबर 1 और टैप 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 करके अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई करना है। कितना अच्छा आप आफ्टर बेस के बाद, जब आपकी बेस की ब्लेंडिंग अच्छी होगी, अगर आप लोगों ने अपने ये फेस पाउडर की एप्लीकेशन बहुत अच्छी की, तो आपका बेस कभी भी ख़राब नहीं होगा। और अक्सर लोग बेस फाउंडेशन पर ध्यान देते हैं और फेस पाउडर पर ध्यान नहीं देते, तो ये जब भी उनका जो बेस है वो फट जाता है या तो वो ब्लैक हो जाता है, रेतों में जाता है। ये देखें आप लोग कितनी स्ट्रांगली मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ बेस की। ये देखें टैप 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 करके अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। पूरे पूरे पोर्शन में कवर अप कर रही हूँ। तो गाइस मेरा बेस अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसको फिक्स करूँगी विद द हेल्प ऑफ फेस पाउडर यार्डले नंबर 1 और टैप 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 करके अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई करना है। कितना अच्छा आप आफ्टर बेस के बाद, जब आपकी बेस की ब्लेंडिंग अच्छी होगी, अगर आप लोगों ने अपने ये फेस पाउडर की एप्लीकेशन बहुत अच्छी की, तो आपका बेस कभी भी ख़राब नहीं होगा। और अक्सर लोग बेस फाउंडेशन पर ध्यान देते हैं और फेस पाउडर पर ध्यान नहीं देते, तो ये जब भी उनका जो बेस है वो फट जाता है या तो वो ब्लैक हो जाता है, रेतों में जाता है। ये देखें आप लोग कितनी स्ट्रांगली मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ बेस की। ये देखें टैप 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 करके अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। पूरे पूरे पोर्शन में कवर अप कर रही हूँ। आप देखें मेरी मम्मा कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही हैं, और जो उनका ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग मम्मा ने अपना मेकअप किया है, बहुत 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 प्यारी। अब मैंने एक आंख पर लाइनर लगा दिया, दूसरी आंख पर लगा रही हूँ। चले आ जाए, बैठे ना, लगा दूँ क्या लाइनर और क्या? हाँ चलो लगा, चलो बैठो इधर, सिट डाउन। मैं पकड़ूँ मोबाइल हैं, मैं पकड़ूँ मोबाइल, आप लगा मोबाइल, आप ऐसे जैसे मैंने पकड़ा हुआ ना, जैसे ऐसे बस 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 पीछे जाए जा रही हैं बस, ठीक है सही ना। अब बस मैं बस अपनी मम्मा की गाइस लाइनर लगा रही हूँ, हल्का आँखें नहीं बंद करें, हाँ हल्का सा जस्ट टच देना है मुझे, ज़्यादा हैवी हमने नहीं करना, बंद कर दी करना कैमरा बंद। गाइस मैं ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ, हल्का सा पिंक शेड, ये देखें, ये देख सकते हैं आप लोग ये वाला शेड, और थोड़ा सा ये दोनों को मिक्स करके अप्लाई करूँगी फेस पे। एप्पल चीक्स, जैसे मैंने कल अपने एप्पल चीक्स बनाए थे, आज भी मैं वैसे ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे एप्पल चिप्स पसंद है। अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना कि पता चले आपको पूरा मुंह लाल हो जाए। इस तरीके से अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। ब्लश ऑन वैसे ज़्यादातर लोगों को डार्क पसंद है, और मुझे भी डार्क पसंद है। ये हो गया गाइस, सही है। अब थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ पफिंग कर लूँ अपनी आंखों के नीचे। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। हाइलाइटर भी सबको बहुत पसंद है, सब लोग भर भर के लगाते, इतना लगा लेते हैं कि बेस लगाना भूल जाते हैं, और हाइलाइटर ही हाइलाइटर ही गले चपके चमकते हुए नज़र आ रहे होते हैं सबके मुँह पर। तो हाइलाइटर भी अगर आपको लगाना है तो आप लगाने के लिए, इतना भी भर के मत लगाएं जब आपकी स्किन टैन हो जाए।
से मुझे भी सर बहुत पसंद है हाइलाइटर। अच्छी तरीके से हम हाइलाइटर लगाएंगे। हाथ दुख गया मेरा पकड़ के मोबाइल हाइलाइटर। सो गाइस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा स्मोकी मेकअप करूँ अपना। आज हुई, कल तो मैंने जस्ट लाइनर ही अप्लाई किया था। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट अपना मेकअप करने वाली हूँ, थोड़ा सा स्मोकी लुक पे। तो वो मैंने कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। हल्का सा हम लोगों ने पहले तो लेना है ऐसा ब्रश। ब्रश लेने के बाद आप लोगों ने लेना है आई मेकअप का पैलेट, और इसमें से आप लोगों ने लेना है ब्लैक को ऐसे करके। अब जो है लेंस कहाँ चला गया, अब जो है मैं बाहर जाऊँ। अब जो है आपने अपने आँखों पे जहाँ आप लाइनर अप्लाई करती हैं वहाँ पे इस तरीके से ब्लैक आई शेडो अप्लाई करना है। थिन लाइन करनी है ताकि वो ब्लेंडेड लगे। थोड़ा सा मैं डार्क करूँगी। इस तरीके से हल्का सा आउटर कॉर्नर अंडर आए। थोड़ा सा मैं इसको डार्क करती हूँ। सो गाइस ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने हल्का सा स्मोकी का टच देना है। पूरी अपनी आईबॉल पे नहीं करें क्योंकि मेरी आंखें खुलता है वैसे थोड़ी सी ऐसी हैं, तो मैं अगर पूरा कर लूँगी तो मैं बिल्कुल जिन जैसी लगूँगी। तो हमेशा अपनी आँखों के हिसाब से आई मेकअप करना चाहिए। जो चीज़ आप पे सूट करे वही अप्लाई करना चाहिए। तो गाइस अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। इस तरीके से काजल का मैं सोचती हूँ कि मैं लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, देखती हूँ। फिर पहले हम लगाएंगे मस्कारा, अगर काजल की नीट हुई तो हम लोग लगा लेंगे। हाँ बस मस्कारा लगा लूँ मैं, फिर मैं आके आपकी वीडियो बनाती हूँ। सही अच्छी तरीके से मस्कारा लगाना है। ये देखें अंडर आए। तो गाइस मेरा मेकअप हो चुका है, अब जल्दी से टाइम नहीं है, अब मैं जल्दी से नहीं, मेरा मेकअप हो चुका है और अब मैं सबको रेडी करके, खुद रेडी होने के बाद अब मैं चेंज करके फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरी ज्वेलरी, आज मेकअप डिफरेंट किया है, मुझे बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये देखें मैं आपको ये दिखाती हूँ शहजादा हुसैन, इसके कपड़े देख के कितने प्यारे लग रहे हैं, आप बताएंगे कैसे लग रहा है मेरा बेटा मेरी जान। और बाकी लोग भी दिखाती हूँ मैं अभी आपको, चलें बाहर चलते हैं सबको दिखाते हैं पूरी फैमिली हमारी कैसी लग रही है। हाँ भाई सामो भाई, ओए ओए वाइट कुर्ता तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुस्तफा हाउ आर यू बेबी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लुक इन द कैमरा पिक्चर। तो गाइस देखिए मेरे भाई का कुर्ता कितना प्यारा लग रहा है, ओहो कितना खूबसूरत कुर्ता है ये देखें। और ये रेडी हो गए हैं और मेरी भाभी भी रेडी हो गई हैं, ये देखें जल्दी जल्दी में है। हाँ चले पैनाडोल, ओके जा रहे हम। ये देखिए इनका कुर्ता कितना प्यारा लग रहा है, व्हाइट कलर का, और उस पर चश्मा भी कितना अच्छा लग रहा है। मुस्तफा को देखा है, मुस्तफा वेयर आर यू गोइंग, मुस्तफा हाय। चले भाई अभी हम बस निकल रहे हैं, निकलने के बाद फिर आप पहुँच कर आपको बताएंगे। बाय बाय। माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन कितना प्यारा लग रहा है, माशा के
हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे हमारे इब्राहिम भाई के घर पे। भाई बाहर है, गाड़ी लगा रहा है पार्किंग के लिए। चले ऊपर, आप क्यों खड़ी हुई है नीचे? नॉक नॉक करते हुए यहाँ पे बड़ा अंधेरा हो रहा है गाइस। अभी अंदर जाके आपको हम प्रॉपर दिखाते हैं। वो देखिए मुफ्तुबा खड़ा हुआ है। बैल होगी ना इनकी, बैल बजाए। बैल नहीं है? वो देखो खुद चढ़ना शुरू हो गया मुस्तफा। चलें 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 भाई, चलें जी गाइस। अब हम अंदर जा रहे हैं, भाई जी बाहर है गाड़ी लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।